फ्रेंड्स इसमें दिया गया है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। फ्रेंड्स लास्ट जितनी भी पजल की है मैंने लाइन वाली उसमें नंबर ऑफ पर्सन 8, 12, 6, 10 ऐसे दिए थे, लेकिन इसमें नंबर ऑफ पर्सन नहीं दिए हैं, इसमें नंबर ऑफ पर्सन हमने निकालने हैं। तो फ्रेंड्स इसमें दिया गया सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। तो पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये आईबीपीएस आरआरबी पीओ 2018 यानी कि इस साल आईबीपीएस आरआरबी पीओ में आई थी ये बजर। एम सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एस। तो फ्रेंड्स जब भी एससी इस तरह की पजल होगी तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने वही लाइन पकड़नी है जिसकी एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता है। तो फ्रेंड्स इसमें एम सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एस, तो फ्रेंड्स हमें एस का पता नहीं है तो हम एम कहां से निकालेंगे। सेम 5% सिट बिटवीन एम एंड एक्स, इसमें दिया गया है कि 5 बंदे बैठे हैं एम और एक्स के बीच। टी सिट्स एट वन ऑफ द पोजीशन टी एस से लेफ्ट साइड बैठा है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एम एंड यू आर सेम एज बिटवीन एस एंड टी, जितने बंदे एम और यू के बीच बैठे हैं सेम उतने ही एस और टी के बीच बैठे हैं। क्यू इज सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द स्टीम एंड। फ्रेंड्स इस लाइन से कुछ दिख रहा है, क्यू इज सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द स्टीम एंड, क्यू किसी एक एंड से सेकंड पोजिशन पे बैठा है। नेक्स्ट लाइन है 4% सिट बिटवीन एस एंड यू, 4% बैठे हैं एस और यू के बीच। नेक्स्ट है नो वन सिट टू द राइट ऑफ एन। फ्रेंड्स इसमें दिया गया है नो वन सिट टू द राइट ऑफ एन, एन से राइट साइड कोई भी पर्सन नहीं बैठा है। तो फ्रेंड्स यानी कि राइट एंड पे लास्ट पोजिशन पे बैठा है एन। हु इज इमीडिएट राइट टू पी, यानी कि एन इज इमीडिएट राइट टू पी, पी के इमीडिएट राइट बैठा है एन। फ्रेंड्स अब इस लाइन को देख लेते हैं, क्यू इज सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द स्ट्रीम एंड, क्यू एक एंड के सेकंड पोजीशन सेकंड पे बैठा है एक साइड एक एंड से। अब फ्रेंड्स ये फर्स्ट है ये सेकंड है, यानी कि पी यहां पे ऑलरेडी बैठा है तो क्यू इस साइड बैठ नहीं सकता, यानी कि क्यू बैठा है इस साइड इस एंड के सेकंड पे, तो यानी कि इसके पीछे भी कोई फर्स्ट पे बैठा होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एक्स इज थर्ड लेफ्ट टू पी, पी के थर्ड लेफ्ट पे है एक्स, ये पी का फर्स्ट लेफ्ट है, ये सेकंड लेफ्ट है और ये थर्ड लेफ्ट है जहां पे बैठा है एक्स। फ्रेंड्स अब देखना है इन चारों पर्सनों को रिलेटेड कोई लाइन बनी है एक्स पी एन और क्यू। फ्रेंड्स एक्स की बात हो रही है जहां पे बोला 5% सिट बिटवीन एम एंड एक्स, एम और एक्स के बीच 5 बंदे बैठे हैं। फ्रेंड्स अगर एक्स यहां पे हो तो इस साइड 1, 2, 3, 4 इस साइड नहीं बैठ सकते, एन लास्ट पोजीशन पे बैठा है, यानी कि इस साइड बैठे हैं 5 बंदे, 1, 2, 3, 4, 5 एम और एक्स के बीच बैठे हैं 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि जहां पे बैठा है एम। नेक्स्ट है एम सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एस, एस के फोर्थ राइट पे एम है, तो फ्रेंड्स यानी कि 1, 2, 3, 4 अगर जहां पे एस होगा तो एस के फोर्थ राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जहां पे एम है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लास्ट लाइन है नॉट मोर देन 2% सिट बिटवीन क्यू एंड यू, क्यू और यू के बीच 2 से ज्यादा पर्सन नहीं बैठे हैं, यानी कि 2 पर्सन बैठे हैं तो फ्रेंड्स इस साइड एक ही पर्सन बैठ सकता है, लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड के सेकंड पे बैठा है, तो यानी कि 2 पर्सन बैठे हैं क्यू और यू के बीच, यानी कि ये यू है हमारा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 4% सिट बिटवीन एस एंड यू, 4 पर्सन बैठे हैं एस और यू के बीच, 1, 2, 3, 4 और फ्रेंड्स 2 लाइन बची हैं, इसमें बोल रहा है द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन। फ्रेंड्स इससे पहले लाइन ये देखते हैं टी सिट्स एट वन ऑफ द पोजीशन लेफ्ट टू एस, टी एस के लेफ्ट साइड बैठा है, यानी कि ये एस है तो टी इस प्लेस में बैठा है इस साइड। नेक्स्ट लाइन है द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एम एंड यू आर सेम एज बिटवीन एस एंड टी, जितने एम और यू के बीच बैठे हैं उतने ही एस और टी के बीच। तो फ्रेंड्स सबसे पहले एम और यू के बीच हम चेक कर लेते हैं,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बैठे हैं तो 8 ही एस और टी के बीच बैठे होंगे। तो फ्रेंड्स अगर मैं इस साइड काउंटिंग करूं तो टी एस जहां पे है यानी कि टी साइड आएगा, तो उसने बोला है टी एस के लेफ्ट साइड है, टी सिट्स एट वन ऑफ द पोजीशन लेफ्ट टू एस। तो एम और यू के बीच 8 पर्सन है यानी कि एस और टी के बीच भी 8 पर्सन होंगे। एस जे है तो जहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि टी लेफ्ट एंड पे बैठा है। फ्रेंड्स अब जहां से अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि नंबर ऑफ पर्सन बताओ इस लाइन पे कितने बैठे हैं, तो फ्रेंड्स टी लेफ्ट एंड पे बैठा है, एन राइट एंड पे बैठा है, तो सबको काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। फ्रेंड्स 24 पर्सन बैठे हैं इस लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एम, तो फ्रेंड्स ये एम है, 1, 2, 3, 4, 4 पे बैठा है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आपको 5 क्वेश्चन आएंगे इस लाइन के अकॉर्डिंग। ये थी फ्रेंड्स हमारी टाइप सेकंड रो कॉलम और लाइन। चलिए फ्रेंड्स टाइप थर्ड पे जाते हैं। देयर आर 6 फ्लोर्स इन ए बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के 6 फ्लोर हैं, पी क्यू आर एस टी एंड यू। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, जो ग्राउंड फ्लोर है वो नंबर 1 है और टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर 6, यानी कि ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है, फिर सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और टॉप वाला 6 फ्लोर है। फ्रेंड्स इसमें बोला गया पी डज नॉट लाइव ऑन ऑड नंबर फ्लोर, पी ऑड नंबर फ्लोर में नहीं रहता है, यानी कि ऑड में नहीं रहता है तो इवन में रहता होगा। तो फ्रेंड्स जहां तो पी इधर रहता होगा या फिर फोर्थ में रहता होगा या फिर सेकंड में रहता होगा। नेक्स्ट है क्यू डज नॉट लाइव ऑन फर्स्ट फ्लोर, फ्रेंड्स क्यू फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहता है, या तो सेकंड में रहता होगा थर्ड फोर्थ फिफ्थ या सिक्स में। देर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन आर एंड एस, आर और एस के बीच 2 फ्लोर हैं, आर और एस के बीच 2 फ्लोर हैं। नेक्स्ट है टी लाइव्स द फ्लोर इमीडिएटली अबव एस फ्लोर, फ्रेंड्स टी वहां पे रहता है जहां पे एस रहता है उसके इमीडिएट अबव यानी कि उसके इमीडिएट ऊपर। अगर एस जहां पे रहता है तो टी बिल्कुल इसके ऊपर रहता है, यानी कि ये दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ साथ फ्लोर वाले। लास्ट है यू डज नॉट लाइव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, यू ऑड नंबर फ्लोर में नहीं रहता है तो यू इवन नंबर फ्लोर में रहता होगा। तो फ्रेंड्स सेम पी की तरह भी यू इवन नंबर फ्लोर में रहता होगा, यानी कि जहां तो पी रहता होगा यू जहां पे रहता होगा, जहां तो पी और यू जहां पे रहते होंगे सेम फ्रेंड्स, जहां तो पी और यू जहां पे होंगे या फिर जहां पे होंगे या फिर जहां पे होंगे दोनों या फिर दोनों जहां पे होंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, एस और टी एक साथ हैं। फ्रेंड्स अगर मैं एस को जहां पे बिठाऊं तो टी जहां पे बैठेगा जहां पे ऑलरेडी पी या यू बैठा हुआ है, एस जहां पे नहीं बैठ सकता, सेकंड फ्लोर पे ऑलरेडी जहां पी बैठा है या यू बैठा है, तो एस जहां तो जहां बैठ सकता है जहां बैठ सकता है जहां बैठ सकता है। तो फ्रेंड्स टी बिल्कुल ऊपर बैठा है एस के, मान लो टी अगर यहां पे बैठा है तो एस जहां पे बैठा होगा। फ्रेंड्स और बोला है क्यू डज नॉट लाइव ऑन फर्स्ट फ्लोर, क्यू फर्स्ट फ्लोर में नहीं बैठा है, अगर फर्स्ट में नहीं बैठा है तो थर्ड में बैठा होगा। नेक्स्ट लाइन है देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन आर एंड एस, आर और एस के बीच 2 फ्लोर हैं, तो फ्रेंड्स एक ही फ्लोर खाली है, अगर मैं आर को जहां पे बिठा दूं तो आर और एस के बीच दो फ्लोर है यानी कि 2 पर्सन बैठे हैं। टी लाइट्स द फ्लोर इमीडिएटली अबव एस फ्लोर, टी इमीडिएटली एस के ऊपर बैठा है, बिल्कुल सही बैठा है ना। लास्ट है यू डज नॉट लाइव एन ऑड नंबर फ्लोर, यू ऑड नंबर फ्लोर में नहीं बैठा है, तो फ्रेंड्स यू या तो सेकंड फ्लोर में बैठा है यानी कि इवन में बैठा है या फिर सिक्स में बैठा है। तो फ्रेंड्स ये है आपकी राइट डायग्राम, इसी से आपको 5 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट पजल पे चलते हैं।
6 lectures P, Q, R, S, T and U are delivered on Monday to Sunday. Friends, 6 lectures deliver होते हैं Monday to Sunday. उन lecture के नाम है P, Q, R, S, T and U. 1 lecture every day. हर एक दिन 1 lecture होता है. Lecture R cannot deliver on Friday. Friends, इसमें दिया गया है कि lecture R जो है वो Friday को deliver नहीं होता. यानी कि Friday को लेक्चर आर नहीं होता. नेक्स्ट है लेक्चर पी डिलीवर इमीडिएटली आफ्टर लेक्चर एस. एस के इमीडिएटली बाद लेक्चर पी होता है. मान लो एस अगर मंडे को होगा तो पी ट्यूसडे को होगा. नेक्स्ट है देयर शुड बी 2 डेज गैप बिटवीन लेक्चर क्यू एंड यू के बीच. फ्रेंड्स क्यू और यू के बीच 2 दिन का गैप है. नेक्स्ट है देयर इज 1 हॉलीडे एक्सेप्ट सैटरडे. एक हॉलीडे है एक छुट्टी है लेकिन सैटरडे को छोड़ के. लेक्चर यू इज डिलीवर्ड ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ हॉलीडे. फ्रेंड्स मान लो अगर मंडे को हॉलीडे है तो हॉलीडे के लेक्चर यू इज डिलीवर ऑन द नेक्स्ट. तो नेक्स्ट डे यानी कि मंडे को हॉलीडे है तो ट्यूसडे को लेक्चर यू होगा. नेक्स्ट लेक्चर टी इज ऑन वेडनेसडे. तो फ्रेंड्स सीधा सीधा एग्जैक्ट वैल्यू दी है लेक्चर टी की जो कि वेडनेसडे को होता है लेक्चर टी. नेक्स्ट है एंड इट इज नॉट इमीडिएटली प्रोसीडेड एंड फॉलोड बाय लेक्चर यू. तो फ्रेंड्स ना तो यू ट्यूसडे को आ सकता है ना ही थर्सडे को. यानी कि ट्यूसडे और थर्सडे को लेक्चर यू नहीं होगा. तो फ्रेंड्स देखिए देयर इज 1 हॉलीडे एक्सेप्ट सैटरडे. फ्रेंड्स इसमें दिया है 1 लेक्चर एवरी डे. लेक्चर आर कैनॉट डिलीवर ऑन फ्राइडे. यानी कि फ्राइडे को आर लेक्चर आर नहीं होगा. फ्राइडे को आर नहीं होगा यानी कि आर सैटरडे के संडे थर्सडे ट्यूसडे या मंडे को होगा. तो फ्रेंड्स जहां पे दिया गया है हॉलीडे के नेक्स्ट डे लेक्चर यू होगा. तो फ्रेंड्स लेट कर लेते हैं हम हॉलीडे अगर थर्सडे को है तो नेक्स्ट डे यानी कि फ्राइडे को होगा यू. और जहां पे दिया है लेक्चर आर फ्राइडे को नहीं है तो फ्रेंड्स फ्राइडे को आ गया यू. नेक्स्ट है फ्रेंड्स एस और पी साथ साथ हैं लेक्चर. यानी कि एस अगर सैटरडे को है तो पी संडे को होगा. फ्रेंड्स लेट कर लेते हैं एस अगर सैटरडे को है तो पी संडे को होगा. अब क्यू और यू के बीच 2 दिन का गैप है. फ्रेंड्स अगर मैं एस और पी को जहां पे ना लूं एस और पी को जहां पे ले लूं क्यू और यू के बीच 2 दिन का गैप है. अगर यू जहां पे है तो 1, 2 यानी कि क्यू जहां पे आता जहां पे ऑलरेडी पी है फिर क्यू 1, 2 तो जहां पे आता तो फ्रेंड्स जहां पे डे एंड हो रहे हैं यानी कि एस और पी हमारा जहां पे आएगा तो क्यू और यू के बीच 2 दिन का गैप है. तो फ्रेंड्स ये यू है 1, 2 दिन का गैप है यानी कि क्यू जहां पे है. तो फ्रेंड्स बचा हुआ आर. आर फ्राइडे को नहीं है तो आर मंडे को है. फ्रेंड्स अब दोबारा एक बार स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं. लेक्चर आर कैनॉट डिलीवर ऑन फ्राइडे. लेक्चर आर फ्राइडे को डिलीवर नहीं है तो आर मंडे को हो रहा है. फ्रेंड्स फ्राइडे को नहीं है यानी कि मंडे को है बिल्कुल सही. नेक्स्ट है लेक्चर पी डिलीवर्ड इमीडिएटली आफ्टर लेक्चर एस. एस के इमीडिएटली बाद पी है. एस के इमीडिएटली बाद पी है. नेक्स्ट है देयर शुड बी 2 डेज गैप बिटवीन लेक्चर क्यू एंड यू. यू और क्यू के बीच 2 दिन का गैप है तो ये क्यू है ये यू है तो 2 दिन का गैप है. नेक्स्ट है देयर इज 1 हॉलीडे एक्सेप्ट सैटरडे. एक छुट्टी है लेकिन सैटरडे को छोड़ के. सैटरडे को हॉलीडे नहीं है तो फ्रेंड्स हॉलीडे ट्यूसडे को है. नेक्स्ट है लेक्चर यू इज डिलीवर ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ हॉलीडे. हॉलीडे के नेक्स्ट डे यू लेक्चर यू है. नेक्स्ट है लेक्चर टी इज ऑन वेडनेसडे. वेडनेसडे को लेक्चर टी है. एंड इट इज नॉट इमीडिएटली प्रोसीडेड एंड फॉलोड बाय लेक्चर यू. टी के ना इमीडिएटली प्रोसीडेड और ना इमीडिएटली फॉलोड
यू होना चाहिए। तो फ्रेंड्स टी के इमीडिएटली प्रोसीडर क्यू है और फॉलोड हॉलीडे है, तो यू नेक्स्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पजल पे चलते हैं। फाइव पर्सन डी क्यू टी डब्ल्यू वी वर्किंग इन ए कंपनी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। फ्रेंड्स फाइव पर्सन काम करते हैं किसी कंपनी में मंडे से लेकर फ्राइडे तक। ईच हैज डिफरेंट हॉबीज, हर एक की अपनी अपनी हॉबी है। चैटिंग रीडिंग राइटिंग रोमिंग एंड सिंगिंग। टी इज नॉट वर्किंग ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे, टी वेडनेसडे और फ्राइडे को काम नहीं करता है और उसकी हॉबी है रोमिंग। वी इज वर्किंग ऑन फ्राइडे, वी फ्राइडे को काम करता है बट डज नॉट हैव सिंगिंग हॉबी, और बी की सिंगिंग हॉबी नहीं है। नेक्स्ट है पर्सन हु हैज हॉबी ऑफ रीडिंग, वो पर्सन जिसकी हॉबी रीडिंग है इज वर्किंग ऑन मंडे, मंडे को रीडिंग जिस पर्सन की हॉबी रीडिंग है वो काम करता है। नेक्स्ट है पर्सन हु वर्क ऑन थर्सडे, वो पर्सन जो थर्सडे को काम करता है उसकी हॉबी सिंगिंग नहीं है। नेक्स्ट है क्यू हैव राइटिंग हॉबी, क्यू की हॉबी राइटिंग है। वेन एवर डब्ल्यू वर्क ऑन ट्यूजडे, और डब्ल्यू ट्यूजडे को काम करता है। चलिए फ्रेंड्स फर्स्ट लाइन है टी इज नॉट वर्किंग ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे, यानी कि वेडनेसडे और फ्राइडे को टी काम नहीं करता। टी काम नहीं करता। नेक्स्ट है एंड हॉबी इज रोमिंग, यानी कि टी की हॉबी है रोमिंग। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वी इज वर्किंग ऑन फ्राइडे, वी फ्राइडे को काम करता है, यानी कि फ्राइडे को कौन सा पर्सन होगा, वी। नेक्स्ट है वी इज वर्किंग ऑन फ्राइडे बट डज नॉट हैव सिंगिंग हॉबी, वी की सिंगिंग हॉबी नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पर्सन हु हैज हॉबी ऑफ रीडिंग, ऐसा पर्सन जिसकी हॉबी रीडिंग है इज वर्किंग ऑन मंडे, यानी कि मंडे को वो पर्सन काम करेगा जिसकी हॉबी रीडिंग है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पर्सन हु वर्क्स ऑन थर्सडे, थर्सडे को जो पर्सन काम करता है उसकी हॉबी सिंगिंग नहीं है, यानी कि थर्सडे को जो पर्सन काम करेगा उसकी हॉबी सिंगिंग नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्यू हैव राइटिंग हॉबी, क्यू की हॉबी राइटिंग है, लिखना है। वेन एवर डब्ल्यू वर्क ऑन ट्यूजडे, डब्ल्यू ट्यूजडे को काम करता है या काम पे जाता है, तो ट्यूजडे को कौन सा पर्सन आ गया, डब्ल्यू। अब फ्रेंड हम जहां से फिल करेंगे, टी की रोमिंग है क्यू की राइटिंग है। फ्रेंड्स टी और क्यू पर्सन अभी नहीं बैठे हैं। नेक्स्ट है वी की सिंगिंग नहीं है, यानी कि सिंगिंग फ्राइडे को नहीं आ सकता, और थर्सडे को भी जो पर्सन काम करेगा उसकी हॉबी भी सिंगिंग नहीं है, यानी कि फ्राइडे और थर्सडे को सिंगिंग नहीं आ सकता, यानी कि सिंगिंग जहां तो ट्यूजडे को होगा, जहां तो सिंगिंग ट्यूजडे को होगा या फिर वेडनेसडे को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वेडनेसडे और फ्राइडे को टी नहीं है, यानी कि फ्राइडे और वेडनेसडे को टी नहीं है, वेडनेसडे और फ्राइडे को टी नहीं है, यानी कि टी होगा मंडे को। फ्रेंड्स वेडनेसडे और फ्राइडे को अगर टी नहीं है तो टी फिर जहां तो मंडे को होगा या फिर थर्सडे को होगा, और टी की हॉबी है रोमिंग। अगर टी मंडे को होगा तो मंडे वाले पर्सन की हॉबी है रीडिंग, यानी कि टी जहां पे नहीं आ सकता, टी होगा थर्सडे को और टी की हॉबी है रोमिंग। फ्रेंड्स
बचा हुआ पर्सन क्यू, क्यू की हॉबी है राइटिंग। तो फ्रेंड्स अगर क्यू को मैं जहां पे बिठाऊं तो इस पर्सन की हॉबी है रीडिंग, यानी कि क्यू जहां पे नहीं आ सकता, क्यू के लिए एक ही प्लेस खाली है, यानी कि क्यू आएगा जहां पे और क्यू की हॉबी है राइटिंग, और सिंगिंग आएगा जहां पे, यानी कि डब्ल्यू की हॉबी है सिंगिंग और क्यू की हॉबी है राइटिंग। और फ्रेंड्स बची हुई हॉबी चैटिंग, तो चैटिंग फिफ्थ, बचा हुआ पर्सन चैटिंग जहां पे आ जाएगी और पर्सन बचा हुआ डी, तो डी जहां पे आ जाएगा। फ्रेंड्स अब हम एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, जहां पे लिखा है टी इज नॉट वर्किंग ऑन वेडनेसडे, टी वेडनेसडे को काम पर नहीं जाता, यानी कि टी थर्सडे को जाता है, बिल्कुल सही। वेडनेसडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे को भी नहीं है टी, बिल्कुल सही। एंड हॉबी इज रोमिंग, टी की हॉबी है रोमिंग। नेक्स्ट है वी इज वर्किंग ऑन फ्राइडे, वी फ्राइडे को काम पे जाता है। बट डज नॉट हैव सिंगिंग, और वी सिंगिंग हॉबी नहीं है, तो इसकी चैटिंग है। नेक्स्ट है पर्सन हु हैज हॉबी ऑफ रीडिंग इज वर्किंग ऑन मंडे, मंडे को जो पर्सन जाएगा काम पे उसकी हॉबी है रीडिंग, पढ़ना, तो मंडे को रीडिंग हॉबी वाला पर्सन ही जाएगा। नेक्स्ट है पर्सन हु वर्क्स ऑन थर्सडे, जो पर्सन थर्सडे को काम पे जाएगा, काम करता है, उसकी हॉबी सिंगिंग नहीं है, यानी कि थर्सडे को सिंगिंग नहीं आएगा, तो थर्सडे को रोमिंग आया है, सिंगिंग नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्यू हैव राइटिंग हॉबी, क्यू की हॉबी राइटिंग है, क्यू की हॉबी राइटिंग है, सेम। वेन एवर डब्ल्यू वर्क ऑन ट्यूजडे, डब्ल्यू ट्यूजडे को काम पे जाता है, जब ट्यूजडे को काम करता है। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी टाइप थर्ड। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं टाइप फोर्थ पे।